नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन पर। विद्यार्थियों, आज हम हल करेंगे कक्षा 9th का इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर। विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थियों, जो पहला मैंने एक एग्ज़ाम पेपर है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया फुल सॉल्यूशन के साथ इंग्लिश का। ये सेकेंड इंग्लिश का पेपर है, इसका मतलब आप दो पेपर आप पूरी तरह से तैयार कर लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। विद्यार्थियों, एग्जाम में बिल्कुल पूरे में से पूरे नंबर मिलने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि दो पेपर मैंने इस तरीके से तैयार किया है कि एक भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम से वो बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल विद्यार्थियों, बाहर नहीं जाएगा। बस आप लगातार आप देखिएगा वीडियो को। ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आप प्लेलिस्ट में एक इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया, ये दूसरा है, आप दोनों तैयार कर लेना। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, एक एक क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, तो शुरू करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, और विद्यार्थी चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, देखिएगा ये सबसे पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शन है वो आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, उसके बाद पेपर को हल करना। ओके, सेक्शन ए में, सेक्शन ए में क्या पूछा जाएगा पूरी तरह से सॉल्यूशन करवाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखोगे तभी याद हो जाएगा और पूरे में से पूरे नंबर मिलने की पूरी संभावना रहेगी। विद्यार्थियों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी आपको ध्यानपूर्वक पैसेज को पढ़ना है एक दो बार और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पैसेज को पढ़ लेना। ओके, पैसेज पढ़ने के बाद आप क्या करना, प्रश्नों के उत्तर देना। तो प्रश्न कैसे आएगा देखिएगा, विच एशियंट एंड फेमस यूनिवर्सिटी इन डिस्कस्ड देयर, यानी किस पुरानी और फेमस यानी प्रसिद्ध पुरानी विश्वविद्यालय के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। तो यहाँ पैसेज के अंदर आ जाओ, क्या पैसेज के अंदर किस विश्वविद्यालय का नाम लिया है। देखो, इन द नॉर्थ इज वेस्ट इंडिविजुअल इंडिया नियर पेशावर देयर इज एशियंट एंड फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला। देखिएगा किसी यूनिवर्सिटी का नाम लिया है, तक्षशिला। ओके, तो आपको इसका आंसर क्या है आएगा, आपके तक्षशिला बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, वेयर वाज द यूनिवर्सिटी, जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है। तो पहले ही आपने देखा होगा नियर पेशावर में। ओके, यानी पेशावर के पास में, आप देखिएगा ये रहा इसका आंसर, ये देखिएगा आप नियर पेशावर। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट फ्रॉम द पैसेज वर्ड विच मीन्स वेल नाउन। वेल नाउन का क्या अर्थ है इंग्लिश में, वेल नाउन को पैसेज में से निकालना है। तो वेल नाउन का देखो, वेल नाउन का अर्थ होता है प्रसिद्ध, क्या होगा प्रसिद्ध, इसे क्या कहते हैं प्रसिद्ध। ओके, तो विद्यार्थियों प्रसिद्ध 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 का जो मीन होगा वो फेमस, जिसे क्या बोलते हैं हम फेमस, MOUS। ओके, प्रसिद्ध को क्या बोलेंगे, FAMOUS। तो वेल नाउन का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा आपके फेमस। ओके, से अगला है, फाइंड फ्रॉम द पैसेज ऑपोजिट ऑफ मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। ओके, तो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होता है, एशियंट, क्या हो जाएगा, ANCIEN, एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन काल। ओके, तो ये आपका हो गया पहला पैसेज। सेकंड पैसेज आएगा, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दूसरा पैसेज भी इसी तरीके से हल करना है, तो आप देख रहे पैसेज एक बार पढ़ लेना, उसके बाद प्रश्न क्या दे रखे हैं, प्रश्न दे रखा है व्हाट हैपन्ड टू द किंग, यानी राजा के साथ क्या घटना घटित हुई। तो राजा के साथ क्या घटना घटित हुई वो आप इस पैसेज के अंदर देख सकते हो, पैसेज के अंदर पूरा का पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, पूरा पूरा इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ए सर्टेन किंग वंस फेल इन एंड डीआरएस डिक्लेयर्ड दैट ओनली ए सडन फाइट विद रिस्टोर इन टू हेल्थ बट द किंग वॉज नॉट ए मैन फॉर एनी वन टू फ्लाई टिकट ऑन एक्सपेक्ट हिज फील। ठीक है, तो ये घटना है वो आप लिख देना इसके आंसर में। इसी तरह के सेकंड भी आप इसी के अंदर है। ठीक है, मैं आपको ज़्यादा सोल इस तरीके से बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, आप सेम टू सेम इसी तरीके से आपको हल करना, पैसेज को पढ़ना, पैसेज के अंदर ही इसके आंसर हो जाएंगे। ओके, चौथा क्वेश्चन मैं बता दूँ आपको, फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, यानी पैसेज में से यानी गद्यांश में से आपको इन शब्दों के इस शब्दों के अर्थ निकालने, वो भी इंग्लिश में। ठीक है, ए शॉक्ड, ए शॉक्ड का मतलब होता है सरप्राइज, मतलब आप देखो एक आश्चर्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए शॉक्ड का मतलब शॉक का मतलब होता है सॉरी शॉक, ए शॉक का मतलब होता है आश्चर्य। तो आश्चर्य को हम क्या बोल सकते हैं, जिसका बोल सकते हैं सरप्राइज, क्या बोलते हैं सरप्राइज। ठीक है, सरप्राइज इसका ए शॉक का हो जाएगा आपके सरप्राइज। और अनाउंस, अनाउंस्ड का मतलब होता है घोषणा करना, क्या होता है घोषणा करना, घोषणा करना का मतलब होता है डिक्लेयर, डिक्लेयर इसके अंदर शब्दों का पैसेज के अंदर वो आपको लिखना है, इसका हो जाएगा डिक्लेयर और इसका हो जाएगा आपके सरप्राइज। ओके, तो विद्यार्थियों
आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा, वो भी इंग्लिश सब्जेक्ट का है। और ठीक है, सारे सब्जेक्ट के पेपर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए, एक एक सब्जेक्ट के मैं 2 से 3 पेपर अपलोड करने वाला हूँ विद्यार्थियों। अगर आप सभी पेपर तैयार कर लेते हो, याद कर लेते हो 2 से 3, तो आपको कोई नहीं रोक सकता पूरे में से पूरे नंबर लाने में। विद्यार्थियों पूरा देखना, पूरे सारे वीडियो देखना आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करके, ओके। और चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप देखिएगा सेक्शन बी, सेक्शन बी में क्या आएगा, आप देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट। इमेजिन दैट यू आर कालूराम लिविंग इन ए मंडार राइट लेटर टू योर फादर क्वेश्चनिंग हिम टू सेंड योर रिक्वेस्टिंग, देखो रिक्वेस्टिंग आ जाएगा, रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड सम मनी टू बाय साइकिल, यानी आपको पिताजी को क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। किस लिए? पैसे भेजने के लिए। क्यों? क्योंकि पैसे चाहिए, हमें साइकिल खरीदनी है, तो इसलिए हमें साइकिल, मुझे साइकिल खरीदनी है आपको, तो आपको एक लेटर लिखना है पिताजी को पैसे भेजने के लिए, ओके। अगर आपको वो नहीं आता तो अथवा हमें दे रखा है तो आपको ये नहीं आता है तो ये लिख दिए। इमेजिन दैट यू आर अरुण कुमार कंपोज्ड ए ईमेल ड्राइविंग अटेंशन ऑफ योर प्रिंसिपल ओवर द नॉन कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इन इंग्लिश, यानी एक ईमेल आपको ईमेल करना है किसको, अपने प्रिंसिपल को, किसके बारे में, कि आपका जो इंग्लिश का जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्या है कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसके बारे में आपको एक कंप्लेन लिखनी है ईमेल के माध्यम से, ठीक है। तो ईमेल के माध्यम आपको एक कंप्लेन लिखनी है, ओके, दोनों में से कोई एक करना है। चौथा क्वेश्चन है राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 50 वर्ड्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ों का महत्व पर आपको 50 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना है। और अगर पैराग्राफ नहीं आता है ना तो विद्यार्थियों आपको ये आप पैराग्राफ तैयार कर लेना, ये वाला दोनों में से कोई एक पैराग्राफ लिखना है। फंक्शन यूजिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन आउटलाइन और ऑशियंस, ओके, तो आपको दोनों में से कोई एक करना है। पांचवा क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ विद्यार्थियों, वो नोट कर लेना अपनी कॉपी में और फिर अपने पासबुक के माध्यम से तैयार कर लेना विद्यार्थियों। दो एक सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट है, अब 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट के मैं 2 पेपर अपलोड करूँगा फुल सॉल्यूशन के साथ, सभी बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, ओके। तो आप वह तैयार कर लेना, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो, ओके। देखो राइट ए डायलॉग बिटवीन ए पेशेंट एंड डॉक्टर यू मे बिगिन लाइक दिस, मतलब आपको एक बातचीत किसके, पेशेंट और यानी मरीज और एक डॉक्टर के मध्य क्या बातचीत होती है, वार्तालाप, उनको लिखना है। जैसे आप देख सकते हो पेशेंट क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग व्हाट इज़ योर ट्रेबल, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको डॉक्टर और पेशेंट के मध्य वार्तालाप लिखना है, कितने शब्दों में, आप 60 से 70 लिख सकते हैं, ओके। अगर ये नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप राइट स्टोरी लिख देना, एक स्टोरी लिख देना, किसके ऊपर, इसके ऊपर, एंग्री फॉक्स पर तैयार कर लेना आप एक स्टोरी, ठीक है। अब सेक्शन सी, सेक्शन सी क्या कहना है, सेक्शन सी में क्या है, ग्रामर आएगी विद्यार्थियों, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर है, बिल्कुल बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन बताऊंगा। देखो पहला क्वेश्चन है द सन इन द ईस्ट, द सन इन द ईस्ट, द सन इन द ईस्ट, तो द सन का ईस्ट में उदय होता है, राइजेज हो जाएगा, क्या है, राइजेज, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। सेकेंड क्वेश्चन है लास्ट वीक माई फादर टू अबू रोड बाई ट्रेन, लास्ट वीक वेंट, देखो लास्ट वीक माय फादर वेंट आ जाएगा, वेंट यानी गए थे, देखो ये जो गो है ना कि थर्ड सेकंड फॉर्म है, गो वेंट गोन, यानी ये क्रिया की कितनी सेकंड फॉर्म है, ठीक है, तो आपको ये लिखना है, तो वेंट आ जाएगा। और आपका इसका आ जाएगा सी विद हर फॉर सन्स गोइंग टू मार्केट, क्या है, सी विद हर फॉर, यानी उसके साथ उन्हें 4 बच्चे पुत्र हैं वो मार्केट गए थे, तो इसके देखो बच्चे हैं 4 है, इसका मतलब बहुवचन है तो आर आएगा, आर क्या आएगा, आर आएगा। चौथा क्वेश्चन है ब्रेड एंड बटर माय ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर यानी 2 है तो इसके लिए आर आएगा, ब्रेड एंड बटर आर। पांचवा है देयर इज 2 sugar इन द कॉफी, देयर इज 2 many, क्या मैनी यानी कई प्रकार, ठीक है, तो मैनी आएगा इसका। छठा क्वेश्चन है दे हैव बुक, दे हैव मच बुक, ओके। इसका अगर सातवां क्वेश्चन है हर हस्बैंड कम कम टू ए कार, क्या आ जाएगा, कम टू ए कार, यहाँ जाएगा आपका टू का प्रयोग हो जाएगा। और आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही जम्प्ड द रिवर, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, क्या आ जाएगा आपके, इनटू द रिवर,
इनटू आ जाएगा यहाँ। ओके, तो ये मैंने सारे ग्रामर के जो क्वेश्चन है वो बता दिए। सेक्शन डी में भी आपको पैसेज आएगा, वो पैसेज आपको ओनली आपने देख चुका होगा, ये पैसेज है आपकी जो किताब है ना उसकी जो पार्ट है उन्हीं में से कट करके दिया जाएगा, यानी आपने ऑलरेडी सीन कर रखा होगा यानी पढ़ रखा होगा। वो दो ऑलरेडी पहले जो पैसेज थे वो अनसीन थे, क्या थे? अनसीन, यानी आपने पहले कभी नहीं देखा, ये सीन है यानी आपने पहले पार्ट पढ़े हुए उनमें से। ठीक है, देखो आपने मार्जी और टॉमी वाला पार्ट पढ़ा होगा, तो ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ पार्ट है, उनमें से पैसेज आया है सीन पैसेज। ठीक है, तो इसको पैसेज को पढ़ना है आपको, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने। देखो प्रश्न क्या दे रखा है, व्हाट डिड द मैकेनिकल टीचर डू फॉर मार्जी, यानी जो मैकेनिकल यानी यांत्रिक जो अध्यापक था उसने मार्जी के लिए क्या किया था, क्या किया था? तो यांत्रिक टीचर यानी मैकेनिकल टीचर था उसने मार्जी के लिए क्या किया था? तो देखिएगा यहाँ देखिएगा, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, यानी उसने जियोग्राफी का टेस्ट लिया। ठीक है, उसके बाद सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर एंड हेड सकन हर हेड सोरोफुल एंड सेंट टू द कंट्री इंस्पेक्टर। ओके, तो ये आपको ये इसने ये लिखना है कि उनकी उसने उसका जियोग्राफी का टेस्ट लिया था। उसके बाद हु वाज द राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस, यानी वो एक लाल गोल लाल चेहरे वाला छोटा आदमी कौन था, कौन था? विद्यार्थियों ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हु वाज राउंड, यानी हु वाज कौन था राउंड लिटिल मैन ए रेड फेस, लाल गोल यानी उसका चेहरा है वो लाल था और गोल भी था और छोटा आदमी था, वो ठीक कद में छोटा था, वो कौन था? तो वो कौन था? तो देखिएगा, ही वाज राउंड ए लिटिल मैन विद ए रेड फेस एंड होल बॉक्स टू ऑफ टूल्स विद डायल एंड वायर्स। मतलब ये किसके लिए प्रयोग हुआ? यही प्रयोग हुआ है ये मैकेनिकल टीचर के लिए। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा मैकेनिकल टीचर, क्या हो जाएगा आपके मैकेनिकल टीचर, ये हो जाएगा। ओके, अगला नेक्स्ट, अब आपके टेक्स्ट बुक से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आप टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन बताऊँगा मैं उसे नोट कर देना, फिर वो पासबुक से याद करना। ठीक है, मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगा क्योंकि यहाँ लिखना बहुत मुश्किल होता है इस वजह से। ओके, पहला क्वेश्चन आएगा, हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी, मार्जी और टॉमी कितने साल के थे? वेयर डज हर डी ट्रेवल एंड हिमसेल्फ, वे वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, यानी वो अपने पिताजी से क्यों भयभीत थी? वेयर वाज अब्दुल कलाम हाउस, एंड अब्दुल कलाम का घर कहाँ था? ओके, उसके बाद नौवा है, आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, यानी 30 शब्दों में आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड किंग ऑफ स्कूल, यानी पुराने राजा की जो स्कूल के बारे में टॉमी ने क्या कहा था? ठीक है, या फिर आप दोनों में से कोई लिखना, वे डिड आइंस्टाइन राइट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, वे यानी आइंस्टाइन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के को लेटर क्यों लिखा था? ठीक है, दोनों में से कोई एक करना है। दूसरा है, हाउ डज अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेज, यानी जो अब्दुल कलाम ने पहला वेतन वो किस प्रकार कमाया यानी प्राप्त किया? ठीक है, और दसवां है, राइट यानी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, यानी दो क्वेश्चन करने हैं तीनों में से, कितने? वो भी 60 शब्दों में। पहला क्वेश्चन, हाउ डज ए नरेट द स्टोरी ऑफ द तुष्कर, ठीक है, डज इट अपीयर टू बी प्लेजिबल। ओके, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रीशियस थिंग्स मेंशनड इन द स्टोरी, वे आर दे प्रीशियस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिरर इन द स्टोरी, ठीक है, दर्पण का है वो कि कहानी में क्या महत्व था, इंपॉर्टेंस था? तो दोनों तीनों में से कोई दो करने हैं आपको। 11 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंजर विथ रेफरेंस टू द टेक्स्ट, संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, इसे जो कोटेज दे रखा है ये जो लाइन दे रखी है विद्यार्थियों इसको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, मतलब किस पाठ से लिया गया है, कौन से लेखक है और ये क्या कहना चाहता है, वो भी इंग्लिश में। ओके, तो ये आप विद्यार्थियों तैयार कर लेना है। उम्मीद करूँगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, चैनल पर नहीं हो तो विद्यार्थियों बार बार कह रहा हूँ मैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपके एग्जाम से पहले हैं सभी एग्जाम पेपर की तैयारी करवाई जाएगी, एक भी पेपर को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा विद्यार्थियों, सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं वो एग्ज़ाम से पहले हैं, वो पूरा सॉल्यूशन करवा दूँगा, आपका एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। ओके, तो विद्यार्थियों एक ऑलरेडी मैंने इंग्लिश का पेपर डाल दिया है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और एक ये देख लेना, ठीक है, उसके बाद एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, आप तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर।